जब भी हम राजस्थान के बारे में सोचते हैं, तो हमारे मन में बहुत से विचार आते हैं, जैसे कि वहाँ की रॉयल फीलिंग, वहाँ के बहुत ही सुंदर फोर्ट्स, वहाँ के हिस्ट्री और किंग्स, और स्पेशली वहाँ के स्वादिष्ट भोजन। पर क्या ये राजस्थान के बारे में अकलौती इंटरेस्टिंग बातें हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको राजस्थान के बारे में कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताने वाला हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। राजस्थान का एरिया 342,000 स्क्वायर किलोमीटर्स है, इसी वजह से ये इंडिया का लार्जेस्ट स्टेट है। जिस स्थान को इंडिया का सबसे ज्यादा कलर कोऑर्डिनेटेड स्टेट भी कहा जाता है, इसको ऐसा इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसकी पॉपुलर सिटीज सेपरेट कलर को डिवोटेड है। जैसे कि जयपुर का कलर पिंक है, जोधपुर का ब्लू, उदयपुर का व्हाइट और जहलवर का पर्पल। राजस्थान के बारे में एक और अननोन फैक्ट है कि यहाँ पूरे इंडिया की ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज भी है। इस माउंटेन रेंज का नाम है अरावली रेंज, और इस रेंज में सिर्फ एक ही हिल स्टेशन है, और इस हिल स्टेशन का नाम है माउंट आबू। राजस्थान की जैसलमेर सिटी पूरे इंडिया की थर्ड लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है। इसका एरिया 39,313 स्क्वायर किलोमीटर है। राजस्थान की पैलेस ऑन व्हील ट्रेन पूरे दुनिया की सबसे ज्यादा लग्जरियस ट्रेन्स में से एक है। राजस्थान में बहुत से हॉन्टेड प्लेसेस हैं, पर यहाँ की सबसे ज्यादा फेमस हॉन्टेड प्लेस है भांगड़ फोर्ट, क्योंकि भांगड़ फोर्ट को पूरे इंडिया की सबसे ज्यादा हॉन्टेड प्लेस माना जाता है। स्थान में 3 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भी है, और ये है कियोलेडियो नेशनल पार्क, जंतर मंतर जयपुर, और हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान, जिसमें चित्तौर फोर्ट, कुंभलगढ़ फोर्ट और रणथंभौर फोर्ट जैसे बहुत से फोर्ट्स पाए जाते हैं। राजस्थान के बीकानेर शहर में हर साल एक कैमल फेयर होता है जनवरी के महीने में। इस फेयर को द शिप ऑफ द डेजर्ट कैमल को ऑनर करने के लिए रखा जाता है, और इस फेयर में बहुत सी इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज भी होती है, जिनमें बहुत से लोग कैमल राइडिंग करते हैं और कैमल पे ट्रिक्स भी करते हैं। राजस्थान में बहुत से सेक्रेड जैन साइट्स भी पाए जाते हैं। इनमें से एक है राजस्थान का दिलवारा टेंपल, जिसको सबसे ज्यादा सुंदर जैन पिलग्रिमेज में से एक माना जाता है। ये हिल स्टेशन माउंट आबू में पाया जाता है। राजस्थान के पुष्कर नामक टाउन में बहुत से इंटरेस्टिंग फेस्टिवल्स भी होते हैं, पर यहाँ का बाय फार सबसे पॉपुलर फेस्टिवल है यहाँ का ईयरली लाइव स्टॉक फेस्टिवल। ये लेट अक्टूबर और अर्ली नवंबर में होता है। यह लाइव स्टॉक की ट्रेडिंग के अलावा बहुत सी इंटरेस्टिंग चीजें भी होती है। यहाँ एनिमल्स को छोड़ के और भी ह्यूमन इवेंट्स भी होते हैं, जैसे टग ऑफ वॉर, मटकी फोड़ और लॉन्गेस्ट मुस्टैच कॉम्पिटिशन। ये फेस्टिवल अकेला ही ईयरली 2 लाख टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है। जिस स्थान में एक और ऑब्स्क्योर टेंपल भी है, ये है बुलेट बाबा टेंपल। बुलेट बाबा टेंपल नॉर्मल टेंपल से बहुत ही अलग है, क्योंकि यहाँ का प्रिसाइडिंग डीटी एक बुलेट है। राजस्थान के सबसे ज्यादा आइकॉनिक सिंबल्स में से एक है इसका हवा महल। हवा महल को पिंक सैंडस्टोन से बनाया गया है। ये इतना मैग्निफिसेंट इसीलिए है क्योंकि इसमें 953 विंडोज है, जो माइंड बॉगलिंग है। यहाँ का सबसे पॉपुलर नेशनल पार्क है रणथंभौर नेशनल पार्क। ये एक परफेक्ट प्लेस है जहाँ आप द फेरोशियस
रॉयल बंगाल टाइगर को भी देख सकते हो। अगर आप एक बर्ड लवर है और आप राजस्थान में आ रहे हैं, तो आपके लिए क्यूलडियो नेशनल पार्क एक परफेक्ट प्लेस है, क्योंकि यहाँ आपको मोर देन 370 बर्ड स्पीशीज मिल जाएंगी। इसी वजह से इसे पैराडाइज ऑफ बर्ड्स भी कहा जाता है। मोस्ट नंबर ऑफ फोर्ट्स के मामले में राजस्थान सेकंड है, फर्स्ट नंबर पे महाराष्ट्र है, क्योंकि राजस्थान में 45 फोर्ट्स है। राजस्थान में इंडिया का सबसे बड़ा डेजर्ट भी है, ये है थार डेजर्ट। थार डेजर्ट को द ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहा जाता है और ये 17th लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड है और 9th लार्जेस्ट सब ट्रॉपिकल डेजर्ट। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सा फैक्ट सबसे अच्छा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं एक न्यू वीडियो अपलोड करूं, आपको उसकी नोटिफिकेशन आ जाए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।